घर के मुख्य द्वार पर लटका दो बस ये दो चीज, 24 घंटे के अंदर आएगा पैसा, आप बन जाएंगे करोड़पति। दोस्तों, जो पेड़ पौधे होते हैं वो बहुत ज़्यादा चमत्कारिक होते हैं। धरती माता ने हमें इतने पेड़ पौधे दिए हैं जिसमें भगवान जी का वास बताया गया है। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं लेकिन वह सभी अपने आप में बहुत ज़्यादा दुर्लभ और ख़ास होते हैं, लेकिन कुछ पेड़ पौधे, कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें इतनी ज़्यादा शक्ति विराजमान रहती है कि ऐसा ही वृक्ष है दोस्तों, ये बरगद। दोस्तों, बरगद अर्थात वट वृक्ष। आपके एरिया में बरगद के वृक्ष को या वट वृक्ष को किस नाम से जाना जाता है, बरगद के पेड़ को किस नाम से जाना जाता है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज का जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा खास होने जा रहा है। आज के उपाय यदि आपने कर लिया तो आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं रहेगी दोस्तों। तो इसलिए ध्यान से सुनिएगा और बिना स्किप के इस उपाय को सुनिएगा दोस्तों। जो सब देखिए दोस्तों, जो बरगद का पेड़ होता है जो सभी वर्षों से बिल्कुल अलग होता है, सभी वृक्षों से या सभी पेड़ों से बिल्कुल अलग होता है, उसकी बनावट भी बिल्कुल अलग ही होती है। उस वृक्ष को देखकर लगता है कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई बैठा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बरगद के वृक्ष अर्थात बड़ के पेड़ में साक्षात भगवान शिव का वास बताया गया है। इसलिए इसकी जो बनावट होती है, इसकी जो तना होता है, इसकी जो जड़ होती है वह एक जटा की तरह होती है। इसकी जो जड़ होती है वह इतनी ज़्यादा विस्तार में होती है, यानी भूमि के अंदर इतनी ज़्यादा दूर तक फैली हुई होती है कि उसका विस्तार बहुत बिल्कुल भी नहीं रुकता है। इसलिए बरगद के पेड़ के बहुत ही ज़्यादा खास और तंत्रोक्त प्रयोग बताए जाते हैं, जो आज के वीडियो में हम आपको अलग अलग परेशानियों के लिए हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आप इस पावरफुल वृक्ष का लाभ उठा सकते हैं, इस बहुत ही ज़बरदस्त वृक्ष का आप पेड़ का आप लाभ उठा सकते हैं और अपनी सभी परेशानियों को बिल्कुल दूर कर सकते हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल हर प्रकार की समस्या में निश्चित तौर पर होता ही है। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करके और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, तो कि भगवान शिव को नमस्कार अवश्य ही कर लें दोस्तों, जिससे कि भगवान शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, आपको बताने वाले हैं हम बड़ के वृक्ष का राज। दोस्तों, जो बड़ का पेड़ होता है उसे वृक्षों में वृक्षराज कहा जाता है। केवल बरगद के वृक्ष को ही कहा गया है क्योंकि इसमें सबसे अधिक खासियत ये होती है कि एक बार जहाँ ये उत्पन्न हो जाता है तो अपना विस्तार यानी अपना फैलाव ये करता ही जाता है, यानी भूमि के अंदर और हवा के ऊपर ये बरगद का पेड़ बहुत अधिक बड़ा कर लेता है, यानी कि अपना आकार और अपना विकार बहुत बड़ा कर लेता है। जैसे कोई भी चीज़ अपनी पानी की समस्या इस बड़ को फैलने से नहीं रोक पाती, जैसे मान लीजिए कहीं पर पानी की समस्या है और वहाँ पर बड़ का पेड़ है तो वो बिल्कुल छायादार रहेगा, वो कभी भी नहीं सूखेगा क्योंकि अपना विस्तार बहुत दूर तक कर लेता है। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि बरगद का जो पेड़ होता है इसे धन आकर्षित करने वाला पौधा बताया है, धन आकर्षित करने वाला पेड़ बताया है, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति इसकी जड़ का इस्तेमाल करता है, उससे जुड़े हुए प्रयोग करता है तो उसके धन का विस्तार भी इसी तरह से नहीं रुकता है। जैसे यह जुड़े हुए अपना अपनी जड़ों का विस्तार नहीं रोकता है, अपने जड़ों के पास रखने वाला जो व्यक्ति है धन का विस्तार उसी तरह से बढ़ता जाता है। अर्थात इसकी जड़ को यदि आप अपने पास में रख लेंगे तो आपके पास भी आपके पास भी धन का विस्तार उसी तरह से होगा जिस तरह से इसकी जटाओं का और इसकी जड़ों का विस्तार होता है। तो दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत ज़्यादा धन की परेशानी आ रही है तो केवल आपको इतना करना है, आपको 8 बरगद की वृक्ष की जड़ें छोटी छोटी तोड़ करके उनको कूट करके आपके घर पर के ले आना है और इन 8 जड़ों पर यानी छोटे छोटे टुकड़ों पर आपको सिंदूर, हल्दी और चावल चढ़ाकर धूप दीप आदि दिखाकर किसकी पूजा करनी है और भगवान शिव को अपने घर के मंदिर में आपको भेंट स्वरूप चढ़ा देना है। अगर आपके जीवन में कर्ज की समस्याएँ हैं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है और आप कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, आप कर्ज के बोझ के तले दब गए हैं, तो दोस्तों इस प्रयोग से कर्ज की सारी समस्याएं बिल्कुल ही निश्चित तौर पर दूर हो जाती है। इन जड़ों को उसके बाद आपको लाल रुमाल में बांध करके यानी किसी भी लाल पोटली में बांध करके एक पोटली तैयार कर लेनी है और अपनी तिजोरी में या फिर जहाँ आप पैसे रखते हैं, सोने का सामान आदि वगैरह रखते हैं, यानी अपनी कीमती चीज़ें जहाँ रखते हैं वहाँ पर इन चीज़ों को यानी इन जड़ों को रख सकते हैं। दोस्तों, जिस भी चीज़ को आप चाहते हैं, जैसे कि मेरा विस्तार इस चीज़ में हो, है ना, इस चीज़ में होता ही चला जाए, तो आप इन जड़ों को वहीं स्थापित करें। यह प्रयोग आपको सोमवार और शनिवार के दिन किसी भी दिन आप कर सकते हैं। दोस्तों, सोमवार के दिन करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ का वार होता है। शनिवार के दिन भी आप इसको कर सकते हैं। अब दूसरी चीज़ है दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जब अपने घर में रह रहे होते हैं तो उनका घर बेकार, अनजान, सब डर चिंता सब उत्पन्न होने लग जाती है। मतलब उन्हें घर बेकार लगने लग जाता है, उनको लगने लग जाता है घर में डर, अर्थात घर में उनका मन नहीं लगता और उन्हें एक चिंता और भय उत्पन्न होने लग जाता है। तो उनका अपने स्वयं के घर में ही मन नहीं लगता,
क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाएं जब भी घर में वास बना लेती हैं तो वो कहीं ना कहीं छुप कर बैठ जाती हैं। जो वहाँ पर लोग रह रहे होते हैं उन्हें बाहर निकालने के लिए उनके मन में डर, चिंता, परेशानी उत्पन्न करने लग जाती है, जिससे कि वह लोग वहाँ पर रह रहे होते हैं उनको बिल्कुल भी चैन से नहीं रहने देती। तो दोस्तों, इन सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को भूत, प्रेत आदि तंत्रोक्त क्रियाओं द्वारा दूर करने के लिए, जैसा ही आपको लगता है आप पर कोई ना कोई तंत्र क्रिया करवा रहा है या बुरी नज़र आपको लग गई है, तो आपको केवल इतना करना है कि दो पत्ते बरगद के वृक्ष के तोड़ करके लाना है और इनको बिल्कुल साफ और सुथरा करके, यानी गंगा जल से इसको धोना है और 8 कपूर की टिक्की रख देनी है। आपको क्या करना है, 8 कपूर की टिक्की इन बरगद के जो आप पत्ते तोड़ के लेके आए हो, दो पत्ते उन पर रख देनी है और 8 लौंग आपको रख देनी है और 8 इलायची आपको रख देनी है। दोस्तों, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, 8 कपूर की टिक्की, 8 लौंग और 8 इलायची आपको इसमें रख देनी है। इसके बाद बरगद का जो वृक्ष है, जो पत्ता है, इस पर आपको रखना है और आपको जलाना है और पूरे घर में इसकी धुनी देनी है। बस इतना करने मात्र से ही संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल डर करके भाग कर खड़ी होगी दोस्तों, भाग जाएगी। और अगर किसी ने तंत्र किया करवाई है, किसी ने कुछ किया कराया करवा दिया है, तो तुरंत इसका प्रयोग हो जाएगा तो सभी तंत्र क्रियाएं बिल्कुल भी विफल हो जाती है। मतलब कि आप पर किसी ने कुछ किया कराया करवा भी दिया होगा तो वह भी खत्म हो जाएगा। तीसरी चीज़ यह है दोस्तों कि जिस व्यक्ति का दुर्भाग्य बहुत ही ज़्यादा हो गया है, अर्थात किसी का भाग्य नहीं चेत रहा, उसकी किस्मत सो गई है, वो कोई भी कार्य करता है बहुत कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसको निराशा ही हाथ लगती है, तो उससे पता चल गया हो कि दुर्भाग्य की चीज़ जो है वो केवल उसकी जीवन में ही होती है, तो दोस्तों आपको केवल इतना करना है कि बरगद के पेड़ में जो जड़, यानी बरगद के पेड़ में जो जड़ होती है, जड़ के किनारे जो मिट्टी होती है, यह आपको प्राप्त करनी है, यानी आपको घर पे लेकर आनी है और उस मिट्टी को किसी भी डब्बे में बंद करके आपको रख देना है। और फिर जब आप रात को सोते हैं, यानी सोते हैं, तो इस मिट्टी को अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगा करके आपको इसको धारण कर लेनी है। अब त्रिपुंड कैसे लगाया गया दोस्तों, त्रिपुंड ऐसे लगाया जाता है कि पहले तीन उंगलियां जो अपने सीधे हाथ की होती है, उनमें सबसे पहली 3 उंगलियां होती है, उनको मिट्टी में डुबो करके आपको त्रिपुंड अपने माथे पर खींच लेना है, यानी कि लेफ्ट से राइट की ओर आपको त्रिपुंड बना करके बस आपको सो जाना है और लगातार 21 दिन तक इस प्रकार मस्तक पर बरगद के पेड़ की मिट्टी लगाने से बड़ों बड़ों के दुर्भाग्य भी समाप्त हो जाते हैं। खूब अधिक ठंड होती है, खूब अधिक आपकी जो है किस्मत चमक जाती है और धन की आपको वर्षा होने लगती है, यानी खूब अधिक आपको धन की वर्षा होने लगती है, किस्मत आपकी बिल्कुल चमक जाती है, आपके जीवन में जितनी भी गर्मी है वो भी सब समाप्त हो जाती है। गर्मी का अर्थ तो कि आपके जीवन में जो भी निराशा है वो गर्मी तो है, उस समय चैन नहीं मिल रहा, तो आपके जीवन में जो गर्मी है उससे आपको ठंड से राहत मिलती है, अर्थात आपके जीवन में धन की वर्षा हो जाती है। दोस्तों, यदि गर्मी में भी धन की बारिश हो जाए तो फिर उसका जीवन बहुत अच्छा हो जाता है, उसको गर्मी नहीं लगती। इसलिए धन की वर्षा वाला ये वाला उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आपकी किस्मत बिल्कुल चमक जाएगी और ख़ास करके अगर अपने जीवन में शनि ग्रह के दुष्प्रभाव हैं, अर्थात कि जैसे आपकी शनि की 7.5 लग गई है, आपको शनि का ढैया परेशान कर रहा है, शनि देव आपसे कुपित हो गए हैं, तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, शनि ग्रह जब दुष्प्रभाव जीवन में आते हैं तो अचानक से ये बहुत अधिक दुर्भाग्य जीवन में घेर लेता है, सभी परेशानियाँ उत्पन्न होने लग जाती है, तो ऐसे में घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आपको केवल इतना करना है कि बरगद के पेड़ की मिट्टी को ला करके त्रिपुंड अपने माथे पर रोज रात को सोने से पहले बना लेना है और बस इतना करने मात्र से शनि ग्रह के दुष्प्रभाव से भी आपको बहुत ज़्यादा हावी नहीं हो पाते हैं। काफ़ी लोग नहीं जानते हैं दोस्तों कि त्रिपुंड कैसे कहते हैं, तो आपको बताते हैं, जैसे भगवान शिव के मस्तक पर त्रिपुंड बना रहता है, 3 लाइन हॉरिजॉन्टल खींची रहती है, तो ऐसे ही आपको 3 पॉइंट अपने मस्तिष्क पर रोज बना लेना है और रोजाना इस प्रयोग को आप अगर करेंगे तो परम शांति की आपको अनुभव स्वयं ही कर पाएंगे, आपके जीवन में मन, मस्तिष्क और दिमाग में बहुत आपको आपका दिमाग शांत रहने लग जाएगा और आप अंदर ही अंदर मन ही मन बिल्कुल सुख को अनुभव कर पाएंगे। तो जितनी भी चीज़ बरगद के वृक्ष से जुड़ी हुई है हमने आपको बताई है, एक बार दोस्तों इस सभी बातों को फिर से सुन करके आप इन सभी बातों को एक कॉपी और पेन पर लिख लीजिए दोस्तों और इस उपाय को जरूर कीजिए। बिना किसी पैसे का उपाय है, हम जो भी बताते हैं हम बिल्कुल फ्री का उपाय बताते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो कल्याणकारी चैनल है, अर्थात हम लोगों का कल्याण करते हैं। अब यदि इतने लोगों ने इसको देखा और यदि 10 लोगों का भी इसमें फ़ायदा हो गया
तो हमारी जो मेहनत है वो सफल हो जाती है। इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखेगा दोस्तों, क्योंकि हर हर महादेव लिखने या जय श्री राम लिखने से आपके जीवन में इतनी सार्थकता आएगी, आपके जीवन में इतनी सकारात्मकता आएगी, इतनी सकारात्मक ऊर्जाएं आ जाएगी कि आपके जीवन में कभी भी निराशा आपको हाथ नहीं लगेगी। तो क्योंकि दोस्तों भगवान का आशीर्वाद जब हमारे पास रहता है, हमारे ऊपर रहता है, तो कोई भी तंत्र बाधाएँ या कोई भी किसी प्रकार का विकार हमें परेशान नहीं कर पाता है। तो इसलिए दोस्तों हमारा आपसे अनुरोध है कि आप जरूर हर हर महादेव जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।